अब आगे बाद के बायोमॉलिक्यूल इन्वेस्टिगेशन से पता चला, क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो हर सेल में वेरी करता रहता है, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो हर सेल में क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। हमारी आरबीसी में, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, 52% प्रोटीन होती है और 40% क्या पाई जाती है, लिपिड, और बाकी का 8% कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर हम इसको अलग कर ले, अगर प्रोटीन को अलग कर ले मेम्ब्रेन से, तो फिर इसकी सुविधा की दृष्टि से प्रोटीन दो प्रकार की होती है, जो आसानी से अलग हो जाए उसे पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन, और जो आसानी से अलग ना हो उसका नाम इंटीग्रल प्रोटीन। देखो पेरिफेरल प्रोटीन कहां पे होती है, सरफेस पर, इसीलिए आसानी से अलग हो जाएंगी कि मुश्किल से, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन अंदर धंसी रहती है, या तो आंशिक रूप से या तो संपूर्ण रूप से। बताइए कहां धंसी रहेंगी, मेम्ब्रेन के अंदर, कौन सी सरफेस पर रखी रहती है, पेरिफेरल, कौन सी धंसी रहती है, आंशिक रूप से कि संपूर्ण रूप से कि दोनों, दोनों रूप से धंसी रहती है। ये देखो, जैसे आप फिगर में देखो, ये धंसी है कि सरफेस से उभरी हुई है, ये वाली, ये देखो उभरी है ना, नाम क्या पड़ा, जबकि ये देखो ये धंसी है ना, धंसी हुई है, ये देखो पार्सली, ये टोटली धंसी हुई है। जो पार्सली है टोटली धंसी हो उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाई सिंगर एंड निकोलसन। किस व्यक्ति ने मॉडल दिया था इसका, सिंगर एंड निकोलसन, कब दिया था, 1972 में। सबसे एक्सेप्टेड है कि अनएक्सेप्टेड, इसका नाम था फ्लूड बोजैक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूड नेचर होता है लिपिड का। क्वासी फ्लूड का मतलब समझ रहे हो, इसको सरल भाषा में पढ़ो सेमी फ्लूड, अर्ध तरल। हमारा लिपिड किसकी तरह बिहेव करता है, अर्ध तरल मटेरियल की तरह बिहेव करता है, यानी स्क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है लिपिड की बाईलेयर अर्ध तरल पदार्थ की तरह काम करती है, और अगर कोई चीज अर्ध तरल है तो उसमें कोई भी चीज अगर डाल दो तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी, और ऐसे वाइब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या वर्ड यू बोला है, लेटरल मूवमेंट। क्या वाइब्रेट करेगा, प्रोटीन। कहां वाइब्रेट करेगी, लिपिड की बाइलेयर में, लिपिड की बाइलेयर में। कौन मूव कर रहा है जल्दी बताइए, प्रोटीन किस तरह से मूव कर रहा है, लैटरल मूवमेंट, कहां पे मूव कर रहा है, लिपिड की बाइलेयर में, लिपिड की बाइलेयर में। और लिपिड लिपिड सेमी फ्लूड की तरह काम करता है कि प्रोटीन सेमी फ्लूड की तरह काम करता है, इसीलिए तो इसका नाम बोला गया फ्लूड मोजैक मॉडल। फ्लूड मोजैक मॉडल, कौन सा फ्लूड है, फ्लूड कौन सा है, और मोजैक क्या है, प्रोटीन, और मॉडल का मतलब एक एक मॉडल दिया गया। देखो लिखा है इसी वजह से फ्लूडिटी मेंटेन होती है, इसी वजह से फ्लूडिटी मेंटेन होती है। अच्छा, फ्लूड नेचर होने से क्या फायदा है, फ्लूड नेचर होने से बहुत सारे फायदे। पहला फायदा, सेल क्या करेगी, ग्रोथ। दूसरा क्या करेगी, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाएगी, याद है इंटरसेलुलर जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, और बताइए एडेरिंग जंक्शन, हमने अभी टिश्यू में पढ़ा था, ठीक है एडेरिंग जंक्शन। अच्छा और क्या करेगी सेल, सिक्रीशन, और कोई भी चीज सेल के अंदर जाने को, एंडोसाइटोसिस, और यहां एक टर्म मिसिंग है, एक्सोसाइटोसिस भी करेगी, अगर अंदर जा सकता है तो बाहर भी जा सकता है, एंडोसाइटोसिस का उल्टा एक्सोसाइटोसिस, और कोशिका विभाजन में भी मदद करेगी। बताइए फ्लूड नेचर से क्या क्या फायदा, नंबर वन, नंबर टू इंटरसेलुलर जंक्शन जैसे गैप, टाइट और एडेरिंग जंक्शन, और सिक्रीशन, और एंडोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस, और सेल डिवीजन, ये फायदा है। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यू हैं, समझिए अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, मॉलिक्यूल्स को आर पार ले जाना, अक्रॉस मतलब आर पार, मॉलिक्यूल को आर पार ले जाना, इधर से इधर या अंदर से बाहर, या बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। अच्छा कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल,
पहले बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल फॉर सब मॉलिक्यूल। अच्छा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जाते हैं बिना एनर्जी खर्च किए। अगर कोई मॉलिक्यूल बिना ऊर्जा खर्च किए चला गया तो उसे क्या बोलेंगे? पैसिव। और अगर अगर ऊर्जा खर्च होगी तो आगे चल के बोलेगा एक्टिव। बताइए, अगर फ्री में काम हो जाए तो, और अगर एनर्जी खर्च के ले जाए तो बताइए, अगर मॉलिक्यूल विदाउट एनर्जी ले चला गया तो, हाँ तो पहले पैसिव ये बता रहे हैं ये लोग, पहले पैसिव बता रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्यूट का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। और मॉलिक्यूल भी कैसा है? लिपिड में घुलनशील। लिपिड की मेम्ब्रेन है और लिपिड वाला मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसे क्या बोला एनसीईआरटी ने? न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब हो गया सेम तरीके का। तो बताओ, लिपिड की मेम्ब्रेन है और लिपिड ही अंदर जाना चाहता है, तो यदि लिपिड ही अंदर जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ने उसे क्या कह दिया? न्यूट्रल सॉल्यूट। वो कैसे चला जाएगा? वो चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ, और सिंपल डिफ्यूजन किधर से किधर होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। और इसके लिए किसी मेम्ब्रेन के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पानी। अब पानी तो दुश्मन है इसका, लिपिड पानी का दुश्मन है। अब पानी के मॉलिक्यूल को अंदर ले जाना है तो पानी का मॉलिक्यूल कैसे जाएगा? स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन से जाएगा, और स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन को बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। तो वाटर जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कहां जाएगा? अधिक सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अब लेकिन सवाल यह उठता है, पानी तो लिपिड में सोल्युबल नहीं है तो अंदर जाएगा कैसे? इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं? एक्वा मतलब पानी, पोरिन मतलब छेद, यानी ऐसा छेद। प्रोटीन एक छेद बना देती है, प्रोटीन एक पोर बना देती है जिससे वाटर इधर से अधिक सांद्रता से किधर चला जाएगा? लो सांद्रता की तरह। इस विधि का नाम ऑस्मोसिस। लेकिन इसमें ऊर्जा खर्च, क्योंकि हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं कि एक्टिव? पैसिव पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आया पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब वही पानी में सोल्यूबल। पोलर मॉलिक्यूल कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। सही कह रहा है कि गलत? पानी में घुलनशील पदार्थ लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, पानी में घुलनशील पदार्थ लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाते। अगर लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो बताइए इन्हें कैसे भेजा जाएगा? इन्हें प्रोटीन की मदद से भेजा जाएगा। किसकी मदद से भेजा जाएगा? प्रोटीन की मदद से। अच्छा, प्रोटीन इस काम को आसान बना देगा, इसलिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें कौन किसकी जरूरत पड़ गई? देखो, प्रोटीन की। बताइए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? पानी में घुलनशील पदार्थ एक प्रोटीन के द्वारा पकड़े जाएंगे, बाहर से पकड़ लिए जाएंगे और अंदर छोड़ दिए जाएंगे। बाहर से पकड़ा और अंदर ले जाके छोड़ दिया गया, उस प्रोटीन का नाम, जो कैरी कर रहा है ना, उसी का नाम है कैरियर प्रोटीन। अब बताओ, डिफ्यूजन को आसान किसने बनाया? इस तरह के डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? अभी तक सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन भाग नहीं ले रही थी, लेकिन अब प्रोटीन को, अब प्रोटीन ने इन्वॉल्वमेंट लिया। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन ने एक तरफ से मॉलिक्यूल को पकड़ा और दूसरी तरफ ले जाके छोड़ दिया। इसलिए यहां वर्ड का कौन सा वर्ड आ गया? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स को या आयंस को, कुछ मॉलिक्यूल या आयंस को हमें ले जाना होता है उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा का मतलब होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू। अभी तक मॉलिक्यूल किधर से किधर जा रहा था, अब मॉलिक्यूल किधर से किधर जाएगा? लो टू हाई। अच्छा, लो टू हाई है तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एनर्जी चाहिए तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। आपने जब वो पढ़ा था नर्व का कंडक्शन तो आपने पंप पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम पंप। तीन सोडियम, दो पोटेशियम, तीन सोडियम को अंदर से पकड़ के बाहर भेज दिया जाता है और दो पोटेशियम को बाहर से पकड़ के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल किसमें पाई? पहली तो पहली बात, सेल वॉल नॉन लिविंग है कि लिविंग? जबकि पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, लेकिन ये कैसी है? नॉन लिविंग। और कठोर होता है कि मुलायम, यानी रिजिड की सॉफ्ट। अच्छा, और आउटर कवरिंग बनाता है ना, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है? फंजाई में, और किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव सेफ, सेल वॉल सिर्फ सेफ ही नहीं देती बल्कि ये सुरक्षा भी देती है, किससे? मैकेनिकल इंजरी और इंफेक्शन से। ये देखो लिखा है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी कि वही डैमेज और इंफेक्शन से। सेल को मैकेनिकल इंजरी या फिर किससे बचाएगी? डैमेज होने से बचाएगी, राइट, या इन्फेक्शन से बचा लेगी। अच्छा, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करती है। अब ये वर्ड क्या है, आपको क्या बताया था? प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल को आपस में जोड़ देता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कौन जोड़ता है? हाँ, उस ब्रिज को ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब बताओ, सेल वॉल नहीं होती तो सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। सेल टू सेल इंटरेक्शन किस पोर के थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। और देखो, ये सभी को अलाउ करता है लेकिन फालतू के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता। फालतू मतलब क्या? डिजायरेबल के अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता। मतलब ये सभी मॉलिक्यूल को अलाउ कर देता है, सिर्फ किसके लिए? बैरियर की तरह काम करता है, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, डिजायरेबल की अनडिजायरेबल, डिजायरेबल की अनडिजायरेबल। हाँ, तो अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता। अच्छा, एल्गी यानी लोअर प्लांट, लोअर प्लांट का जो वो सेल वॉल होता है वो होता है, हमने इसके लिए फॉर्मूला बनाया था, मामी गाल काटो, है ना, थोड़ा फनी सा है। काटो, अब मां का मतलब, मां का मतलब मेलन, और मी का मतलब मिनरल। अब मिनरल का नाम पूछेगा तो दुनिया जान रही है, कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको पत्थर भी कहते हैं, है ना। फिर गैलेक्टेंस, गाल से क्या याद रहेगा? गैलेक्टेंस, और सी से क्या याद रहेगा? सेलोज। तो ये इसका फार्मूला याद रहेगा आपको। अच्छा, फिर आई बात और दूसरे पौधे में, दूसरे पौधे यानी एल्गी के अलावा जो बच गए, ब्रायो टेरिडो जिम्नो और एंजियो, उनमें क्या होगा? उनमें हाल चाल लो फिर, हाल चाल नहीं, हार चाल फिर पूछो, ये था हाल चाल फिर पूछो। अब हाल से हेमिसेलोज, चाल से सेलोज, और फिर से हाँ पैक्टिन, और पूछो से प्रोटीन। क्लियर, पूछो से प्रोटीन। तो अदर प्लांट में किसका बना होता है? हेमिसेलोज, सेलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। अच्छा, जब सेल वॉल यंग होती है तो फिर उसमें केवल प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल पता है लचीली होती है, लचीली, और लचीली होती है तो बताओ ग्रोथ में मदद करेगी कि नहीं करेगी? कैपेबल ऑफ ग्रोथ कि इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ? देखो लिखा है, लेकिन धीरे 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 जब सेल मैच्योर होती है तो प्राइमरी के अतिरिक्त एक नई वॉल बन जाती है, कौन सी? सेकेंडरी वॉल। और ये किस साइड बनेगी? इनर साइड की आउटर साइड? जैसे ये एक सेल है मान लो, तो ये प्राइमरी वॉल है और अंदर की तरफ एक और वॉल बन गई, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वॉल, है ना। जब सेल यंग थी तो केवल कौन सी वॉल थी, और जब सेल मैच्योर हो गई तो एक और वॉल बन गई, कौन सी वॉल? और पता है ये लचीली होती है और ये लचीली नहीं होती है, कौन सी सख्त होती है? सेकेंडरी वॉल। और किस तरफ बन रही है? हाँ, मेम्ब्रेन साइड। मिडिल लैमेला क्या होता है? मान लो ये दो सेल है, ये दो प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये, अब बीच में गैप है ना, इस गैप में सीमेंट भर जाएगा और इसी सीमेंट का नाम है मिडिल लैमेला। और ये सीमेंट बना होता है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का, एनसीईआरटी में केवल क्या दिया है? कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लैमेला का मतलब होता है दो सेल के बीच का सीमेंट, दो सेल के बीच का जो सीमेंट होता है वही कहलाता है मिडिल लैमेला, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। लिखा है ये सेल को ग्लू की तरह जोड़ रहा है, ग्लू टुगेदर डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, यानी ये पास पड़ोस की सेल को आपस में जोड़ देता है। और ये देखो आप, यहां से और यहां के बीच में एक पोर था और पोर का नाम क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा। देखो सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला दोनों के बीच में एक आर पार ले जाने वाला स्ट्रक्चर था, उसका नाम क्या था?
प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देता है, दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ देता है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये खत्म हो गया अपना सेल वॉल। अच्छा ईएमएस, ईएमएस का पूरा नाम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ईएमएस का पूरा नाम होता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अच्छा क्या आते हैं इसके अंतर्गत, वो सेल ऑर्गेनेल आते हैं जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। तो पहली लाइन में ये लिखा है हमारे सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है। लेकिन लेकिन बोल रहा है कि ज्यादातर ज्यादातर क्या बना देते हैं, ईएमएस, ज्यादातर ईएमएस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, कोऑर्डिनेटेड। अब चार सेल ऑर्गेनली जिनका फंक्शन आपस में जुड़ा रहता है उसका नाम है क्या, ईजी लव। अब ईजी को ऐसे लिख दें और लव को ऐसे लिख दें, तो ई से ईआर, जी से गॉल्गी बॉडी, एल से लाइसोसोम, वी से वैक्यूल। तो देखो ई से, जी से, एल से, वी से वैक्यूल, और इससे आपको ऑर्डर भी याद रहेगा। बताइए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या आते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में चार सेल ऑर्गेनली आते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन से सेल ऑर्गेनली आते हैं, तो वो आते हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। और इसमें चार सेल ऑर्गेनली आते हैं क्या, ईजी लव, ई फॉर, जी फॉर, एल फॉर और वी फॉर वैक्यूल। अब कह रहा है ये क्वेश्चन ये नीट 2023 में आया हुआ है, यहीं से लाइन उठाई गई थी, नीट 2023 यही क्वेश्चन यहां से आया था और वो ऑप्शन में था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो परऑक्सीसोम और पीसीएम, पीसीएम को क्या पढ़ोगे, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्या फॉर्मूला बनाया, पीसीएम, पी फॉर परऑक्सीसोम, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, एम फॉर, तो देखो परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए ये ईएमएस का पार्ट नहीं है, नॉट कंसीडर एज द पार्ट ऑफ ईएमएस, ईएमएस मतलब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और यहीं से लाइन उठाई गई थी, यहीं से लाइन उठाई गई थी, ठीक है ना, तो लाइन टू लाइन आती है। अब देखो अब एक एक सेल ऑर्गेनली पढ़ाया जाएगा, पहले कौन सा आया इसमें, हाँ ईआर, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, हाँ तो इसी क्रम में एनसीईआरटी ने आगे पढ़ाया, पहला कौन सा, ईआर, ईआर का दूसरा नाम एंडोप्लाज्मिक, पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा देखो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ई ई मतलब इलेक्ट्रॉन और ई मतलब ईआर, ऐसे याद रहेगा, बताओ किस सेल ऑर्गेनली को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से खोजा गया, ईआर, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एनसीईआरटी ने जिसको जिसको फोकस किया है वो हम सारे ले ले रहे हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कहां पे पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में। तो हमें पता चला क्या कि एक जाल जैसा है, ये देखो पूरा जाल जैसा है, ये देखो जाल जैसा, पूरा जाल जैसा है, और आप देख पा रहे हो कुछ हिस्सा रफ है और कुछ हिस्सा स्मूथ है। रफ कौन है, जिसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम। स्मूथ कौन है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, और ये बिखरा रहता है। एक ये क्वेश्चन करीब 2 से 3 साल पहले पूछा गया था, ये सेम लाइन उठाई गई थी, नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यहां से लाइन उठाई गई थी, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। बताओ अगर पूछा जाएगा छोटा सा, छोटे को क्या बोलते हैं, टीनी, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बिखरा है, कहां बिखरा है, साइटोप्लाज्म में, उसे क्या कहते हैं, उसे ईआर कहते हैं, यहां से लाइन उठाई गई थी 2 साल पहले, ठीक है, उसे ईआर कहते हैं, ये देखो सेम यही लिखा हुआ है। अच्छा ईआर आप देख पा रहे हो, इधर देखो ये इसके अंदर का हिस्सा है और ये इसके बाहर का हिस्सा है, मतलब इसने सेल को कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, दो, एक इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर। अच्छा इनर कोई ट्यूब होगी तो उसके खोखले हिस्से को बोलते हैं ल्यूमेन, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है ईआर ने सेल को डिवाइड कर दिया दो कंपार्टमेंट में, एक इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू टू कंपार्टमेंट्स,
अंदर ल्यूमेन वाले को क्या बोला गया, ल्यूमिनल, जो कहां होगा, इनसाइड की आउटसाइड, ये वाला, ये ल्यूमिनल है कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और ये, अरे अंदर के खोखले स्थान को ल्यूमेन, तो ल्यूमेन की वजह से क्या वर्ड आया, ल्यूमिनल, और बाहर के स्थान को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब इसके बाहर का, बाहर के लिए क्या लगा देते हैं, एक्स्ट्रा, तो बताओ कितने पार्ट में बढ़ गया, पहला ल्यूमिनल कौन सा वाला है, अच्छा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कौन सा है, बाहर वाला, और बाहर क्या कौन सा फ्लूड फैला हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहेगा, कौन सा साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहेगा, कौन सा ल्यूमेन के अंदर रहेगा, हाँ ल्यूमिनल। अब ईआर पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, अगर राइबोसोम आउटर सरफेस पर पाए गए तो इस तरह के ईआर को हम क्या बोलेंगे, आरईआर, आरईआर मतलब, और कह रहा है अगर एब्सेंट है तो स्मूथ दिखाई पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, एसईआर, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर कितने प्रकार का होता है, पहला स्मूथ और दूसरा रफ, अगर राइबोसोम होंगे तो रफ, नहीं होंगे तो स्मूथ। अच्छा आरईआर जो होता है वो उसका काम क्या होता है, आरईआर पे राइबोसोम पाए जाएंगे ना, और राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, तो आरईआर का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। अच्छा सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करेगी कि फिर उसको बाहर भी निकालेगी, तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस और बाहर निकालने को सिक्रीशन, और क्या बोला गया है, ये जो ये ईआर जो था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, देखो इधर देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ईआर, तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो हिस्सा है उसी पे आरईआर पाया जाएगा, और इधर क्या होता है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जिधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उधर एसईआर पाया जाएगा, जैसे ये आप वो फिगर को छोटा करके देखो, ध्यान देना, हमने बना लिया इधर सेल का बाउंड्री, सेल की बाउंड्री को क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड कौन सा हिस्सा आ रहा है, स्मूथ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा आ रहा है, रफ, रफ वाला जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइड होता है, और ये स्मूथ वाला कहां होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड होता है, ये एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा है पर होता यही है, आधी बात क्लियर की है एनसीईआरटी ने, आधी बात क्लियर नहीं की है, देखो लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली सिंथेसाइजिंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा और दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बताओ किसके साथ जुड़ा रहेगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, बात तो एक ही है, मैं बोलूं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्होंने कह दिया है न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, बात तो एक ही है, सही है। एसईआर, एसईआर जो होता है उसका मेन काम होता है लिपिड बनाना, लिपिड प्लस ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन यहां दिया नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी पहले कि लिपिड और ग्लाइकोजन का निर्माण कहां होता है, आरईआर की एसईआर, आरईआर की एसईआर, और एनिमल में, एनिमल सेल में जितने भी लिपिड वाले हार्मोन होते हैं, और लिपिड वाले हार्मोन में स्टेरॉइड कहा जाता है, लिपिड वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है, स्टेरॉइडल, बताइए जितने भी लिपिड वाले हार्मोन होते हैं हमारे अंदर, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे एल्डोस्टेरोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन, जैसे एस्ट्रोजन, ये सभी का निर्माण किससे होता है, एसईआर से, एसईआर से होता है, याद रखिएगा। एनिमल में स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण किससे होता है, एसईआर से कि आरईआर से,
एक बार तो ये फिगर पूछा गया था सीधे सीधे कि ये फिगर किसका है, आंसर गॉल्गी बॉडी, और इसमें दो फेस होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है। न्यूक्लियस की तरफ जो हिस्सा होता है, न्यूक्लियस की तरफ जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांस। तो एक सिस है और एक क्या है, ट्रांस। इसको कुछ ऐसे इमेजिनेट करिए, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये ऐसे होता है, ऐसे 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। बताइए गॉल्गी बॉडी किसका बना होता है, सैक लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और किसके करीब होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है। बताइए न्यूक्लियस के पास जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये डेंसली वो स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, देखो कहीं लिखा, ये लिखा है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, नियर द न्यूक्लियस। बताइए डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर डेंसली है कि लाइटली, कैसा है, रेटिकुलर, कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसे ही बाद में वो कैमिलो गॉल्गी ने खोजा था, ये देखिए कैमिलो गॉल्गी ने खोजा था, और इसी का नाम पड़ा उनके नाम के आधार पे, क्या, गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी। अच्छा अभी जब मैंने बनाया था तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सैक लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट या डिस्क शेप सैक, और उनको नाम दे देते हैं क्या, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। इनका डायमीटर काफी बार पूछा गया है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। बताओ जैसे ये सारे क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, सिस्टर्नी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। बताइए गॉल्गी बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर, उन्हीं डिस्क लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होता है, 0.5 से 1। अच्छा और ये एक दूसरे के ऊपर झुंड बनाते थे, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे बनते थे ना, झुंड बना बना के रहते थे, यानी ये कैसे थे, स्टैक्ड पैरेलल टू इच अदर कि अनपैरेलल, पैरेलल कि अनपैरेलल, पैरेलल टू इच अदर। अच्छा इनका हर सेल में नंबर वेरी करता है, जैसे मान लो मेरी स्किन की सेल में 10 सिस्टर्नी है, तो मेरी आंखों की सेल में 15 होगा, तो मेरी कान की सेल में 16 होगा, मेरे बाल की सेल में तो 9 होगा, मतलब वेरी कर रहा है कि सेम है, वेरी कर रहा है। सिस्टर्नी जो होते हैं हर सेल में वेरिड नंबर में होते हैं, वेरिड नंबर में पाए जाते हैं। अच्छा गॉल्गी सिस्टर्नी दो तरह के होते हैं, और न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस के दूर, न्यूक्लियस से करीब की न्यूक्लियस के दूर होते हैं, न्यूक्लियस से करीब होते हैं। अच्छा हमने अभी बताया था कि एक सेल है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर ऐसा वाला होगा, कैसा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स समझते हो आप, उभरा हुआ, कॉन्वेक्स वाले को क्या बोलते हैं, उसे सिस कहते हैं, सिस। और जो कॉनकेव वाला है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड है, जो धसा है, वो कहां पे है, वो ट्रांस कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांस। तो देखो लिखा है गॉल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, जिसमें कॉन्वेक्स को क्या बोला गया, सिस, सिस का दूसरा नाम फॉर्मिंग, इसका दूसरा नाम फॉर्मिंग फेस, और कॉनकेव का दूसरा नाम ट्रांस या मैच्योरिंग, ट्रांस या मैच्योरिंग। बताइए सिस का दूसरा नाम फॉर्मिंग, और ये जो धसा हुआ है इसका दूसरा नाम ट्रांस या मैच्योरिंग, कितने भाग हो गए, ये जो उभरा है उसका नाम सिस, और ये जो धसा है उसका नाम ट्रांस, तो कितने भाग हो गए, दो। देखो एक था कॉन्वेक्स, मैं फिर से बोल देता हूं, एक था कॉन्वेक्स जो किस साइड था, न्यूक्लियस की तरफ, हम उसे क्या बोलेंगे, सिस का दूसरा नाम फॉर्मिंग, और एक है इसका उल्टा करो कॉनकेव, कॉनकेव किस साइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड,
उसका नाम क्या है? सिस का उल्टा, ट्रांस का दूसरा नाम मैच्योरिंग, तो सिस का दूसरा नाम और ट्रांस का दूसरा नाम, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड वाला कौन है और न्यूक्लियस के साइड वाला कौन है? अच्छा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ये देखो लिखा है एनसीईआरटी में, क्या कह रहा है, सिस और ट्रांस आर इंटायरली डिफरेंट। सिस और ट्रांस दोनों कैसे हैं? इंटायरली डिफरेंट। सिस और ट्रांस कैसे हैं? इंटायरली डिफरेंट, बट फंक्शन कैसा है आपस में? इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। सिस और ट्रांस कैसे? इंटायरली डिफरेंट, पर फंक्शन कैसा है? इंटरकनेक्टेड। गॉल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। गॉल्गी एपरेटस का ये फंक्शन कई बार पूछा गया है। गॉल्गी एपरेटस का काम पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अच्छा बताओ ये किसके संपर्क में रहता है? ईआर, ये ईआर के संपर्क में रहता है। अब जरा सोचो, ईआर में कितने ईआर थे? एक, दूसरा एसईआर, इसने क्या बनाया? अच्छा इसने क्या बनाया? लिपिड बनाया, और क्या बनाया साथ में? ग्लाइकोजन, बोलो सही है। अच्छा, और ये दोनों कहां चला गया? ये सिस फेज में चला गया, सिस ऑफ गॉल्गी बॉडी, सिस में प्रवेश कर गया। अब प्रोटीन को इसके ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया गया, प्रोटीन को ग्लाइकोजन के साथ जोड़ दिया गया, तो क्या बनेगा? ग्लाइको प्रोटीन। अरे ग्लाइको यहां से उठाओ, प्रोटीन यहां से उठाओ, तो जोड़ दिया गया और जोड़ के पैक कर दिया गया, तो क्या बन गया? अच्छा, अब इसको इसके साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? तो ये बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहां होता है? जी फॉर ग्लाइकोलिपिड, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर गॉल्गी बॉडी में। ठीक है, अब देखो रटना नहीं है, और कह रहा है यही कारण है कि गॉल्गी बॉडी किसके करीब रहता है। फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हुआ कि नहीं हुआ? फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं है? देखो, इसने मटेरियल को लिया और फिर उसे मॉडिफाई करके पैक कर दिया, मॉडिफाई करके पैक कर दिया कि पैक करके मॉडिफाई किया? पहले मॉडिफाई किया फिर पैक किया। मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन का मतलब है प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बना दिया, फिर उसे पैक कर दिया, फिर उसे क्या कर दिया? पैक। तो देखो क्या लिखा है, पहला काम क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और उसको डिलीवर कर देगा पैक करने के बाद कहां पे? या तो किसी सेल के अंदर टारगेट पर, और या तो सीधे बाहर ही निकाल देगा, या तो सेल के अंदर कहीं भेज देगा पैक करने के बाद, और या तो फिर सेल से बाहर निकाल देगा। क्लियर? जिस मटेरियल को पैक करना होता है उसे किस रूप में पैक करता है? वेसिकल, यानी छोटे छोटे गोलों के रूप में, छोटे छोटे गोलों के रूप में, पाउच के रूप में पैक कर देता है। अच्छा, ये पैक होने के लिए किस फेस पर आएगा? सिस फेस, अभी लिखा था ना, सिस फेस पर। उसके बाद ये किस तरह मूव करेगा? ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। अच्छा, कह रहा है यही कारण है कि गॉल्गी एपरेटस संपर्क में रहता है, काफी क्लोज संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है? ईआर, क्योंकि फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। कह रहा है जो प्रोटीन राइबोसोम में बनी ईआर के, उसको मॉडिफाई करने के लिए सिस्टर्नी में भेज दिया गया। किसकी सिस्टर्नी में? हाँ, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। बोल रहा है सिस से पैक किया गया और ट्रांस से भेज दिया गया वापस। बोलिए सही है कि नहीं? और इसीलिए यहां पर दो घटनाएं होती है, पहला ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, पहला ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोलिपिड। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कहां होता है? गॉल्गी बॉडी में। ग्लाइकोप्रोटीन का बनना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है, और ग्लाइकोलिपिड का बनना ग्लाइकोसाइडेशन कहलाता है। ठीक है ना, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। अच्छा, लाइसोसोम, अब बताओ जब पैकिंग हो रही थी तो पैकिंग होने के लिए मटेरियल कहां से प्रवेश किया था, कहां से बाहर आया? ट्रांस। तो उस समय कुछ छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन एंजाइम में बदल गया। प्रोटीन किसमें बदल गया?
तो प्रोटीन एंजाइम में बदल चुका है। इस तरह के छोटे छोटे पाउच को क्या कहने लगते हैं जिनमें एंजाइम भर जाता है? लाइसोसोम। देखो क्या लिखा है, मेम्ब्रेन से घिरे हुए छोटे छोटे वेसिकल बन जाते हैं। और वो कब बने? जब पैकेजिंग हो रही थी। पैकेजिंग कौन कर रहा था? गॉल्गी एपरेटस। तो यही छोटे छोटे लाइसोसोमल वेसिकल कहलाने लगते हैं। और इनके अंदर क्या भर जाता है, मैंने अभी बोला था, बहुत सारे एंजाइम। कौन से एंजाइम? एंजाइम तो 6 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, ठीक है ना, आइसोमरेज और लाइगेज। 6 क्लास होती है एंजाइम की। कौन सी क्लास वाले? थर्ड क्लास वाले। थर्ड क्लास का नाम हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर जाता है, नाम है हाइड्रोलेज। अच्छा, लिपिड को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, और ये सब किस पीएच पर काम करते हैं? एसिडिक। और पर्टिकुलर पीएच बताना पड़ेगा, 5 पीएच पर काम करते हैं। और इनका काम होता है भोजन को बचाना। देखो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को बचाएगा, प्रोटीएज प्रोटीन को बचाएगा, लाइपेज लिपिड को बचाएगा, और न्यूक्लियस लिखा नहीं है, न्यूक्लिक एसिड को बचाएगा। तो लाइसोसोम को इसीलिए आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी इमरजेंसी में किसी भी सेल ऑर्गेनेली को बचा सकता है, नहीं तो पूरी सेल को भी बचा सकता है। अगर मान लो ये सेल बीमार हो गई या इसके अंदर कोई गड़बड़ी आ गई, तो ये अगल बगल की सेल को सड़ा देगी। इसीलिए अब इस सेल को हमारा लाइसोसोम ही बचा लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? सुसाइडल बैग। खुद को खत्म कर लेना क्या कहलाता है? सुसाइड। और ये ऐसा बैग है जो खुद की सेल को खत्म कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पार्ट है। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस होता है। कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। इसमें 4 चीजें होती हैं। पहला पानी, दूसरा कोई सोल्यूशन, सैप मतलब सोल्यूशन, तीसरा उत्सर्जी पदार्थ, और चौथा फालतू के पदार्थ। बताओ कितने पदार्थ होते हैं इसमें? 4। पहला पानी, दूसरा सैप यानी सोल्यूशन, तीसरा एक्सक्रीटरी वेस्ट, चौथा वेस्टफुल मटेरियल। लिखा है ना, नॉट यूजफुल कह रहा है, जो मेरे लिए यूजफुल ना हो उसे क्या बोलेंगे? उसे वेस्टफुल बोलेंगे। तो 4 चीजें होती हैं। अच्छा, मैंने बताया था अभी ये कितनी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है? सिंगल। गॉल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ईआर सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन, ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन है। और इनका फंक्शन भी आपस में कोऑर्डिनेटेड है, तभी तो ये किसका पार्ट बन गए? ईएमएस का पूरा नाम एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आपको पता है प्लांट का 90% वॉल्यूम यही ऑक्युपाई करता है, ये लिखा है। प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता था कि एनिमल सेल में, जल्दी बताओ? प्लांट सेल में 90% तक आयतन यही कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल करता है, राइट। प्लांट में मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट। अब सुनो, इधर देखो, इधर ये रही प्लांट, ये रहा 90% तक वॉल्यूम करने वाला हिस्सा, नाम क्या है? वैक्यूल। इसकी मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट, और ये भी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। अब यहां पे कचरा है कम, यहां है कचरा ज्यादा, अब ये कचरे को कहां से कहां भेजती है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू, और अगर कोई भी चीज अभी पढ़ के आयो, कोई भी चीज अगर लो से अधिक की तरफ जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट के अलोंग द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। देखो लिखा है टोनोप्लास्ट आसान बनाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नम आयंस और अदर मटेरियल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन टू द वैक्यूल, मतलब बाहर से अंदर, साइटोप्लास्ट से मटेरियल को कहां भेज रही है? अंदर की तरफ। यानी साइटोप्लास्ट में कचरा क्या है, कम है कि ज्यादा, और अंदर क्या है? ज्यादा। तो ये कम से किधर भेज रही है? ज्यादा की तरफ। देखो लिखा है हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। बताओ कॉन्सेंट्रेशन कहां हायर है? वैक्यूल में, किसकी तुलना में? तो किधर हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पैसिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट की अलोंग। एटीपी खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं खर्च करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अच्छा, अमीबा में या कुछ प्रोटिस्ट में क्या पाए जाते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, आपने हिंदी में सुना होगा संकुचनशील धानी, यानी ये सिकुड़ भी सकती है और फूल भी सकती है,
सिकुड़ भी सकती है, फूल भी सकती है। अच्छा, सिकुड़ेगी तो पानी और नमक को बाहर निकाल देगी, और फूलेगी तो पानी और नमक को अंदर ले लेगी। अब बताओ, सिकुड़ गई तो पानी और नमक बाहर, वैक्यूल के बाहर चला गया। अगर फूल गई तो पानी और नमक अंदर आ गया। इससे पता क्या फायदा होता है? इसी को बोलते हैं आस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। बताइए, शरीर के अंदर पानी और नमक को मेंटेन करने को क्या बोलते हैं? आस्मो रेगुलेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण, बताइए। इसी के लिए जो वैक्यूल पाई जा रही है उसका नाम क्या है? तो देखो क्या लिखा है, वैक्यूल। ये वैक्यूल किसमें मदद कर रही है? और एस्क्रीशन में। देखो, जहां पे भी ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड आएगा, एक रूल बना लो, उसके बगल में एस्क्रीशन वर्ड जरूर आएगा, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन और एस्क्रीशन एक ही अंग करते हैं। जैसे हमारी किडनी एस्क्रीशन कर रही है तो और क्या कर सकती है? ऑस्मोरेगुलेशन। शरीर में पानी और नमक को मेंटेन करने को क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है ना? तो याद रखो, जहां भी कहीं पे आपको एस्क्रीशन वर्ड दिखेगा तो उसके जस्ट पहले आपको ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड जरूर दिख जाएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, बहुत सारी सेल प्रोटिस्ट की, उसमें क्या पाया जाता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या स्टोर करती है? फूड पार्टिकल को स्टोर करती है, जैसे अमीबा। हाँ, पैरामीशियम है ना। अच्छा, माइटोकॉन्डिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। फार्मूला याद रखना, एमएनसी। फार्मूला क्या है? एमएनसी। एम फॉर, एन फॉर और सी फॉर क्लोरोप्लास्ट। ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो जिसमें एक नहीं बल्कि दो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, एक मेम्ब्रेन की दो मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेनस है कि सिंगल मेम्ब्रेनस? अभी तक हम पढ़ रहे थे जैसे ईजी लव, ये चार कैसे थे? सिंगल मेम्ब्रेनस। और ये एमएनसी कैसा था? एमएनसी एम फॉर, एन फॉर, सी फॉर, तो इसमें दो मेम्ब्रेन थी। और इनमें, इन चारों में एक दो तीन चार, ये कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक रंगोगे नहीं तब तक इसे देख नहीं पाएंगे। किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप को बिना रंगे नहीं देख पाते। और इसको रंगने के लिए एक डाई भी है, नाम जैनस ग्रीन बी। जैनस ग्रीन बी, बताइए इसको किस रंग से रंगते हैं? जैनस ग्रीन बी, ये डाई का नाम है जिससे इसको रंगते हैं। और इसको किससे देखा जाता है? रंगने के बाद कि रंगने के पहले? कह रहा है जब तक रंगोगे नहीं तब तक देख नहीं पाओगे, बिना रंगे कुछ ऑर्गेनेल नहीं दिखते, तो ये रंग के ही दिखते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा? वेरिएबल। डिपेंड किस पर करेगा? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे हमारे हार्ट में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि हमारी मसल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा? हार्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि हार्ट दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं, बाकी मसल दिन रात सुबह शाम नहीं काम कर रही है, हार्ट 24 घंटे काम कर रहा है, तो वहां की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होगा। हालांकि हार्ट भी एक मसल ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसे पूछा। इसका शेप और साइज भी वेरी करता रहता है, ये देखो वेरिएबल होता है। अच्छा, इसका शेप दो तरीके का होता है, सॉसेज से या सिलेंडर के शेप का। सॉसेज कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे, इस तरह की चीज को सॉसेज बोलते हैं। अगर कोई चीज काफी लंबी हो और पतली हो और दोनों एंड ऐसे ब्लंट हो तो उसे बोलते हैं सॉसेज। सॉसेज वो होते हैं ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज में कीमा होता है, कीमा, मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसके बाद उसको ऐसे बेलनाकार बना देते हैं और दोनों एंड पर इस तरीके से उसको ब्लंट कर देते हैं, बस उसी को बोलते हैं सॉसेज। तो सॉसेज शेप या सिलेंडिकल, सॉसेज शेप या सिलेंडिकल, दो तरीके का हो सकता है। और डायमीटर होता है इसका कितना? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। अभी हमने सिस्टर्नी का याद कराया था, कितना? 0.5 से 1। इसका कितना है? 0.2 से 1, उसका था 0.5 से 1, इसका है 0.2 से 1। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये डायमीटर है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, आता है ये क्वेश्चन, आता है, याद रखिएगा। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया, अभी बताया था, डबल मेम्ब्रेन से होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन? फार्मूला याद कराया था ना, कौन सा फार्मूला याद कराया था? एमएनसी। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन है तो देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर चैम्बर,
और ये इनर चैम्बर, इनर चैम्बर में एक फ्लूड भरा हुआ है, नाम क्या है? हाँ, और इनर वॉल आप देख रहे हो धस जा रही है अंदर, अंदर जगह जगह पे धसी हुई है, इसी धसे हुए स्ट्रक्चर का नाम क्रिस्टा, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, गैप का नाम आईएमएस, आईएमएस का पूरा नाम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। बताओ ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर कंपार्टमेंट, ये इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स, और इनर इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो गई, और फोल्डेड होके क्या बना ली? अच्छा बताओ आउटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा है कि इनर मेम्ब्रेन का? इनर मेम्ब्रेन का, यानी क्रिस्टा क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, देखो उधर लिखा था डबल, इधर लिखा है मेम्ब्रेन, बाउंडेड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसने सेल के ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में बांट दिया, एक बाहरी कंपार्टमेंट और एक भीतरी कंपार्टमेंट, अभी दिखाया था ना, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में एक डेंस होमोजिनस सब्सटेंस भरा हुआ था, और डेंस होमोजिनस सब्सटेंस का नाम मैट्रिक्स। अच्छा आउटर कंपार्टमेंट कंटिन्यूअस था, और ये लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, लिमिटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर सीमा खत्म हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया जहां अंत हो जाए। बताओ आउटर बाउंड्री सीमा बना रहा है कि इनर बाउंड्री हमें? अच्छा आप खुद बताओ, यहां का जो सबसे अंतिम वो है दीवार, वही तो इसका सीमा है, इस परिसर की, इस परिसर की सीमा कहां तक है? यहां तक, वहां तक, और उधर वहां तक, और इधर यहां तक, बताइए। यहां पे सीमा खत्म हो गई, इसके बगल में दूसरे की सीमा है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, बताइए अंदर फोल्डिंग का नाम क्या है? क्रिस्टा या क्रिस्टी, देखो सिंगुलर बोलेगे तो क्रिस्टा, प्लूरल बोलेंगे तो क्रिस्टी। अभी आपको बताया था क्रिस्टी किस तरफ थी, मैट्रिक्स की तरफ। अच्छा क्रिस्टी क्या कर रही थी, सरफेस एरिया को बढ़ा रही थी। अच्छा दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अपने एंजाइम होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अपने एंजाइम होते हैं, आउटर के पास अपना, इनर के पास अपना, और दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन साइट फॉर एरियोबिक रेस्पिरेशन, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरियोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सी श्वसन की अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन की अनाक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एटीपी बनेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जबकि इसकी जगह पे एक और वर्ड आता है फोटो, ये कहां सुना है आपने, क्लोरोप्लास्ट, ये रेस्पिरेशन के समय और ये फोटोसिंथेसिस के समय, फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का बनना क्या कहलाता है, फोटोफास्फोराइलेशन, लेकिन रेस्पिरेशन के समय माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का बनना क्या कहलाता है, हाँ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस। अच्छा मैट्रिक्स में खुद का सर्कुलर डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा। अच्छा बताओ डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, बोलो प्रोटीन कहां बनता है, तो खुद का प्रोटीन बना लेगा, इसीलिए देखो लिखा है खुद का प्रोटीन बना लेगा। और कौन सा राइबोसोम होता है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला नाम और बड़े वाले का नाम। अच्छा अब आप बताओ इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद की प्रोटीन बना लेगा, तो ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, बहुत बार पूछा गया है, पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल किसे कहेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और यही गुण आगे मिलने वाला है क्लोरोप्लास्ट में, तो दो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो खुद का प्रोटीन बना ले। अब खुद का प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, एमआरएनए, और एमआरएनए के अलावा क्या चाहिए, डीएनए, और क्या चाहिए, राइबोसोम। इसीलिए इसको सेल विद इन सेल भी कहते हैं, सेल के अंदर का सेल, सेल विद इन सेल, सेल के अंदर का सेल कौन सा है, क्यों,
जिस प्रकार सेल के अंदर न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था और आरएनए था, खुद का राइबोसोम था, खुद की प्रोटीन बन रही थी, वैसे ही इसके अंदर भी क्या बन रही है, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। तो इसीलिए सेल के अंदर की तरफ सेल की तरह काम कर रहा है। सेल के अंदर की तरफ सेल की तरह कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसलिए उसे ऑटोनॉमस बोलते हैं कि सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस की सेमी ऑटोनॉमस। अच्छा, दूसरा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्लोरोप्लास्ट। और ये डिवाइड कैसे होता है? फिजन। इसके अंदर जो डीएनए था लीनियर था कि सर्कुलर? जबकि न्यूक्लियस के अंदर कैसा होता है? लीनियर। अब आ गए प्लास्टिड पे, पी फॉर प्लास्टिड। और पी फॉर, ये देखो नाम में मैच हो रहा, प्ला प्ला। प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? तीन लेटर मैच कर रहे हैं बिल्कुल। प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? अच्छा, एनिमल से तो मैच हो नहीं रहा, तो एनिमल में एब्सेंट होते हैं। फिर आगे देखो, ये किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में, और प्लांट में तो है ही है, यूग्लिना और प्लांट में पाया जाता है। इस ये कैसे देखा जा सकता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देखा गया था? अच्छा, ये लार्ज होता है, ये लार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं इनके अंदर, स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण इनका पर्टिकुलर कलर होता है। इसीलिए पिगमेंट के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया, हरे कलर वालों को यानी हिंदी में हरित लवक, इन्हें क्रोमोप्लास्ट यानी वर्ली लवक, और ल्यूकोप्लास्ट अवर्ली लवक। सुना है कभी? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वर्ली लवक जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं लेकिन हरे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट बट नॉट ग्रीन, ये ग्रीन ही नहीं होते। जैसे आलू, आलू ग्रीन है क्या? कलरलेस है ना? जैसे बीज जो होते हैं कुछ कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है नाम, और उसका बॉडीगार्ड भी पाया जाता है, बॉडीगार्ड का नाम कैरोटीनाइड। बताओ क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं, नाम बताइए, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड। और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? लाइट को पकड़ते हैं, लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं। लाइट एनर्जी यानी फोटॉन्स, सूरज की रोशनी में से क्या निकल रही है? फोटॉन्स। ये उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। जबकि अब पता है ये क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही थी, अब किसकी बात चल रही है? क्रोमोप्लास्ट। उसमें ये पाए जाते हैं, देखो ये कॉमन है दोनों में, कैरोटीनाइड इज कॉमन इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा पिगमेंट दोनों में कॉमन है? कैरोटीनाइड्स, कौन सा दोनों में कॉमन है? और पूछा, ये भी पूछा गया है, ये किसमें घुलनशील है? किसमें घुलनशील है? फैट में घुलनशील है। देखो लिखा है फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। और कैरोटीनाइड में दो हिस्से होते हैं, तोड़ोगे तो आपको मिलेगा कैरोटीन और जेंथोफिल। बताओ कैरोटीन बराबर क्या? कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। और कह रहा है और भी अदर पिगमेंट होते हैं, और भी अदर पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये पौधे को क्या करते हैं? पर्टिकुलर कलर देते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, लेकिन ग्रीन नहीं देंगे। येलो, ऑरेंज, रेड, लेकिन ग्रीन नहीं देते। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड। शेप और साइज वेरी करता रहता है। और इसमें क्या स्टोर होता है? अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट तो है नहीं, अगर पिगमेंट नहीं है तो ये खाना नहीं बना पाएगा, अगर खाना नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा? खाना नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। इसी आधार पे, स्टोरेज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला एमाइलोवर्ट किसके लिए आता है? हाँ, तो देखो क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च। अच्छा, इलायोवर्ट किसके लिए आता है? उल्टा करो, ओ आई एल, ओ आई एल क्या स्टोर करेगा? ऑयल्स या फैट। जबकि एल्यूरो वर्ड किसके लिए आता है? प्रोटीन। एल्यूरो किसके लिए आता है? प्रोटीन। ये देखो एल्यूरो क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। एल्यूरो क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन स्टोर करेगा। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट, नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, बताओ ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल।
अच्छा, और ये पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों की स्पेशल सेल में। पत्तियों की स्पेशल सेल का नाम अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की सेल का नाम। मीजो मतलब बीच में और पत्तियां मतलब फिल। मीजोफिल मतलब क्या? पत्तियों के बीच की सेल का नाम मीजोफिल। अच्छा, इनका आकार बदलता रहता है। मीजोफिल सेल में इनका आकार बदलता रहता है, कभी रिबन शेप, कभी डिस्क लाइक, कभी स्फेरिकल, कभी वो। और इनका लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होता है 2 से 4। 5 का डबल और 2 का डबल तो 5 से 10, 2 से 4। ज्यादातर लोग नहीं कहते, अरे 2-4 मिनट रुकिए भी आ रहा हूं, या बहुत ज्यादा बड़े वाले होंगे तो बोलेंगे 5-10 मिनट रुके भी आ रहा हूं। तो ये 2-4 मिनट 5-10 मिनट याद रखना किसके लिए? क्लोरोप्लास्ट के लिए। क्लोरोप्लास्ट का साइज विड्थ कितना? 2-4 और लेंथ कितना? 5-10। अच्छा, इसका नंबर पर सेल वेरी कर सकता है। बताइए, एक सिंगल होगा किसमें? सिंगल सेल वाले एल्गी में। सिंगल सेल वाली एल्गी का नाम बताइए। एकमात्र एक कोशिका में एक मेसोफिल सेल पाया जाएगा। कहां पे? क्लेबाइडोमोनास में। या फिर बताइए 20 से 40% पाया जाएगा। कहां पे? मेसोफिल सेल। यहां मेसोफिल वर्ड यूज नहीं करिएगा, क्योंकि ये तो इसमें पत्तियां तो होती नहीं। रूट स्टेम लीफ कहां होता है एल्गी में? एल्गी में रूट स्टेम लीफ नहीं होता। तो उसकी एक कोशिका में कितने? और पत्तियों में, पत्तियों की मेसोफिल सेल में कितने? और कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल है कि सिंगल? एमएनसी फार्मूला है, बताया था कि नहीं? एमएनसी, एम मतलब, एन मतलब और सी मतलब। हाँ, तो इसमें दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर, एक इनर और एक आउटर। और एक रूल याद कर लीजिए, हमेशा आउटर मेम्ब्रेन फुल्ली परमेबल होती है और इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो कौन सी लेस परमेबल हुई, अंदर वाली की बाहर वाली? और दोनों के कह रहा है जो अंदर स्पेस है, इनर के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस का नाम क्या है? स्ट्रोमा। जबकि आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा था, वहां पे क्या था? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है और यहां क्या होता है? अच्छा, और जरा फिगर देखिए, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं? एक का नाम है थैलेकोइड। सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको बोलिएगा मेम्ब्रेनस, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। क्या बोलिएगा? फ्लैट है कि नहीं? मेम्ब्रेनस है कि नहीं? सैक लाइक है कि नहीं है? सैक का मतलब अंदर से खोखला है कि सॉलिड? खोखला है। नाम क्या पड़ा? पूरे झुंड को क्या कहते हैं? ग्रेना। लेकिन दो ग्रेना को आपस में कौन जोड़ रहा है? ऐसा स्ट्रक्चर। और ये फ्लैट है, मेम्ब्रेन का बना है, पर सैक लाइक नहीं है, बल्कि कैसा है? ट्यूब लाइक। बताओ, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दो ग्रेना को जोड़ रहा है, स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा, फिर से सुनिए, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलेकोइड। थैलेकोइड के झुंड को, यानी ये पूरा क्या है और एक सिक्का क्या है? सिक्कों के ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेना। अच्छा, दो सिक्कों के ढेर को आपस में कौन जोड़ रहा है? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली कैसी होती है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक की जगह क्या लिख देना? ट्यूब। देखो, अब थ्योरी पढ़ो। देखो क्या लिखा है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक का नाम थैलेकोइड। थैलेकोइड झुंड बना ले तो सिक्कों का ढेर बन जाएगा। सिक्कों के ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेना का दूसरा नाम इंटरग्रेनल थैलेकोइड। इंटरग्रेनल थैलेकोइड, ग्रेना का दूसरा नाम इंटरग्रेनल थैलेकोइड। क्लियर। इसके अतिरिक्त फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होता है। देखो आ गया, सैक की जगह क्या लिख दिया है? देखो, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक थैलेकोइड, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली किसको कनेक्ट करता था? डिफरेंट ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता था।
थैलेकोइड इनक्लोज द स्पेस, मतलब थैलेकोइड अंदर से खोखला है, खोखले हिस्से को ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन, खोखले हिस्से को क्या कहते थे, ल्यूमेन कहते थे। अच्छा अब बात आई स्ट्रोमा की, जैसे मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में था खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, खुद का राइबोसोम, वैसे यहां पर भी स्ट्रोमा में खुद का सब कुछ होता है। देखो खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, खुद का आरएनए, आरएनए लिखना भूल गया है लेकिन आप आरएनए भी लिखो, आरएनए भी होता है, और अगर ये लिखा है तो प्रोटीन भी बना लेगा। अब बताओ इसे भी क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल या फिर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। सेल विद इन सेल का दूसरा नाम किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अच्छा राइबोसोम, इसका राइबोसोम भी कैसा होता है, 70S, मतलब छोटा होता है किसकी तुलना से, 80S लिखा ना, इसका स्मॉलर होता है 70S। और अभी मैंने पिछली बार पूछा था कि बताओ हमारा जो बड़ा वाला राइबोसोम है उसका नाम 80S, तो इसका कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी कैसा होता है, दोनों सेमी ऑटोनोमस है कि ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली हैं, दोनों कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली हैं। अच्छा न्यूक्लियस नहीं राइबोसोम ना, तो चलो यहीं तक करा रहे हैं, फिर इसके आगे कल करेंगे। इतना क्लियर हो गया।